or tree breaks due to storm, भाई टूट गया ट्री, ओके क्या हुआ, टूट के टूट गया है, ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30. यहाँ बहुत बड़ा ट्री था, ऊपर तक था, वो टूट के ऐसे आ गया है और ये 30 आ रहा है, मतलब लाइक ऐसा पार्ट था, ये टूटा रोटेट हुआ और ऐसे ये एंगल मेरे पास आ रहा है, ओके ये टूटा है और ऐसे आ रहा है, टच द ग्राउंड 30. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. ये foot तो यही था, ये आधा टूटा है, आधा टूट के, आधा नहीं मतलब एक part टूटा है और ये यहाँ touch कर रहा है, ये length 8 meter दी है मुझे. Find the height of the tree. तो height कितना आएगा, height कितना आएगा, अच्छे से देखिए, height of the tree आएगा, ये अगर मैं इस length को L मानता हूँ और इस length को H मानता हूँ, हाइट ऑफ द ट्री कितना आएगा, हाइट ऑफ द ट्री आएगा मेरे पास एल प्लस एच आएगा, टोटल जो हाइट होगी वो कितनी आएगी, एल प्लस एच होगी, ओके. अब ये एट है मेरे पास, ये एट है, तो ये एल और एच कैसे निकाले जा सकते हैं, एल और एच कैसे निकाले जा सकते हैं, इस पर मुझे ध्यान देना है. तो सबसे पहले मैं 10:30 निकालूंगा, 10:30 से मेरे पास क्या आ जाएगा, और 10:30 की हेल्प से मेरे पास क्या आ जाएगा, 10:30 अगर मैं करूंगा, 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 आता है, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या आएगा, एच आएगा, और बेस कितना आएगा, 8 आएगा, तो एच आ जाएगा यहां से, ठीक है ना. अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा, कॉस 30 निकालूंगा, कॉस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है भाई, 8 है, और हाइपोटेनियस कितना है, एल है, और ये होता कितना है, और रूट थ्री बाई टू होता है, और 30 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू होता है, तो ये मेरे पास यहाँ से एल आ जाएगा, ओके. तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा पेड़ था बहुत बड़ा, टूट गया और जमीन पर जाके ऐसे टकरा गया, तो जो टोटल लेंथ है एल प्लस एच आएगी, तो एच की वैल्यू मेरे पास, एल की वैल्यू कितनी आई भाई, एल की वैल्यू कितनी आई, 16/√3, एल की वैल्यू आई 16/√3, सही है कि नहीं, यहां से आइए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 16/√3, ठीक है. एंड एच की वैल्यू कितनी है, 8/√3 है, 8/√3 है भाई, 8/√3 है, तो इनका सम कितना आ गया मेरे पास, 24/√3, 24, या मैं कह सकता हूँ 8√3 मीटर, 8√3 मीटर का टोटल हाइट उसका होगा पेड़ का. तो इसे विजुलाइज करना काफी एसेंशियल है, ये देखिए यहां से जो टूट रहा है और फिर जाके जमीन पे मिल रहा है, तो टोटल हाइट है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री है, उसको विजुलाइज करना मेरे लिए काम का है. ऐसे ये टूटेगा तो ये पेड़ तो ओवरऑल ये जड़ है, ये पेड़ है, ऐसे है, ऐसे समझिए ये जड़ है मेरे पास और ये टोटल पेड़ है. अब इसका क्या हुआ, काफी लंबा पेड़ है और इतना पेड़ यहाँ से टूट गया और ये टूट के गिर गया यहाँ पे आ गया, तो जो ये लेंथ है और ये लेंथ है, इन दोनों का सम ही क्या होगा, टोटल हाइट होगी, और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ओके समझ आ गया, ठीक है ना. ये यहां से टूटेगा और ये एच माना है, ये एल माना है, तो टोटल हाइट है, इसको ऐसे करेंगे तभी आएगा, सम ही आएगा, ओके.